अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान एंड यू ऑल वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सोच बदल एम ए के। वेल आज की वीडियो जो है थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक है, मतलब कि जो मैं रेगुलर लेक्चर देता हूँ तो वो रेगुलर लेक्चर नहीं होने वाले, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हम लोग अभी पढ़ते आए हैं 9th क्लास में। आजकल मैं ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी के लेक्चर दे रहा था, तो जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो हमने गूगल पर इंप्लीमेंट किया या गूगल के साथ लिंक किया, यानी कि गूगल पर ऐसी वेबसाइट है जो गूगल के साथ जो है मतलब कि ग्रेविटी के इफेक्ट को बताती है, तो मैंने उसी के बारे में एक वीडियो बनाई है। लेकिन 95% स्टूडेंट्स को नहीं जानते, सिर्फ 5% स्टूडेंट जो हैं जो कि थोड़ी सी अलग मखलूक होती है वो थोड़े बहुत जानते हैं इसको, तो ये वीडियो उन 95% के लोगों के बारे में जो कि इसको नहीं जानते। तो वीडियो को देखना है, एंजॉय करना है और साथ साथ वीडियो को लाइक करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कि आप चैनल पर न्यू है तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको मुझे नहीं पता उंगली मारो या पंजा क्लिक हो जाना चाहिए, और साथ साथ जो बेल आइकन है उस पर जो ऑल का ऑप्शन आता है जब क्लिक करोगे तो उसको सिलेक्ट कर लेना कि ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिल सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हमने ये करना है कि वाईफाई या अपना डेटा ऑन करना है और उसके बाद अपने गूगल ब्राउज़र में चले जाना है। गूगल ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है गूगल ग्रेविटी, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा गूगल ग्रेविटी और इसको मैं सर्च पर प्रेस कर दूँगा। जब मैंने सर्च पर प्रेस किया तो मेरे पास पहला ऑप्शन आएगा गूगल एड्स सर्च एडवर्टाइजिंग, इसको छोड़ देना है, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है गूगल ग्रेविटी मिस्टर डूब के नाम से, यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस नज़र आएगा और ये इंटरफेस जो है ये आपको मतलब कि गूगल की जो सर्च के बारे में बताएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो ये टूट गया, ओह माय गॉड टूट गया। अब ये होगा कि ये जो जितने भी टैब्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये फ्री हो चुके हैं, देखो ये बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, अब आप इनसे खेल भी सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप इनको इस तरह जो है जिस टैब को उठाकर ऊपर फेंकना चाहें तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो लेकिन अब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, तो ग्रेविटी हमने पढ़ा था कि वो फोर्स होती है जो ज़मीन किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो लेट्स से हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो टैब्स हैं ये एक तरह की ऑब्जेक्ट की तरह अब बिहेव करें, फ्री ऑब्जेक्ट की तरह। अगर कि मैं अपने कैमरा के मोबाइल के कैमरा साइड को नीचे की तरफ झुकाऊँ तो ये जितने भी टैब्स हैं ये इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ये बड़ी स्लाइड जो ये बार है ये इस तरह से आ गई तो ये दरमियान में आ गए, चलो ये देखो ये नीचे की तरफ चला गया, मतलब ये कि मैंने जब मोबाइल के कैमरा साइड को नीचे किया तो ये सब के सब जो हैं नीचे की तरफ मूव कर गए। लेकिन मैं दोबारा से जो चार्जिंग होल होता है जब उसको नीचे की तरफ करूँगा मतलब कि उस साइड को टिल्ट करके बिल्कुल सीधा कर दूँगा तो ये वापस नीचे आ जाएंगे। अगर कि मैं इसको लेफ्ट साइड पर करूँगा तो ये लेफ्ट साइड पर देखो इस तरह से जमा हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। और अगर कि मैं इसको राइट साइड पर करूँगा तो ये राइट साइड पर मतलब कि ग्रेविटी अटैक करेगी। तो ये जो है ये ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है सीधा अट्रैक्ट करती है। तो ये ग्रेविटी एक फोर्स होती है जो कि आपने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन में पढ़ ली है, नहीं भी पढ़ा तो आप इसको समझ सकते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है हमारे पास। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो टैब्स हैं ये टैब्स क्या काम करते हैं या फिर ये काम नहीं करते, मतलब ये कि आप इनको प्रेस करेंगे तो ये क्या फंक्शन करेंगे, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो मैं लेट से फॉर एग्जांपल एक टैब कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यूज़, मैं न्यूज़ पर क्लिक कर दिया मैंने और ये इस तरह से जो है मेरे सामने न्यूज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये जो न्यूज़ है मतलब कि गूगल जो है उसी तरह से ही काम कर रहा है। जब आप इसको बैक करेंगे तो ये दोबारा से उसी इंटरफेस पर आ जाएगा, कभी समटाइम्स ये ऐसा होता है कि ये दोबारा उसी जो वेबसाइट होती है उस पर ले जाता है, आपने दोबारा उस लिंक को क्लिक करना होता है, दोबारा आप क्लिक करेंगे ये टूट जाएगा। तो आप ग्रेविटी जो है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है ये जो टैब्स हैं ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये फ्री हैं, देखो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लेट से फॉर एग्जांपल मैं कैमरा वाली साइड को नीचे करता हूँ ये सब के सब नीचे आ जाते हैं, अगर मैं इस तरह जिस डायरेक्शन में वो ग्रेविटी एक्ट करेगी ये मूव करेंगे। तो आई होप कि आपने आज जो है मतलब कि नई चीज़ एक सीखी है, 95% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इस बारे में, तो अगर कि आपने नई चीज़ सीखी है तो भी लाइक कर दो वीडियो को, अगर नहीं सीखी तो भी लाइक कर दो, और अगर कि आप चैनल पर न्यू हो और अगर और चैनल पर पहले या फिर पहले आ चुके हो और फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझको अपनी दुआओं में याद रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।